हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आज आपको वापस हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक फॉर्म पे लेके आया हूँ। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली स्ट्रॉबेरी प्लांट के ऊपर है कि किस तरह से हम लोगों ने बिना मिट्टी के स्ट्रॉबेरी के पौधे हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक फॉर्म पे लगा रखे हैं और इनको लगाने के लिए कौन सा सेटअप का उपयोग किया गया है। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी अपडेट है जो हमारे यहाँ इससे पहले आ चुके हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी और यहाँ की पूरी विजिट करवाता हूँ। ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगे हुए हैं, ये एनएफटी सिस्टम में लगे हुए हैं। एनएफटी सिस्टम मतलब न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के अंदर क्या होता है, पाइप का एक चैनल बनाया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को लाइन से लगभग 10-10 इंच की दूरी पे या 8-8 इंच की दूरी पे नेटपोट रख के पौधे लगाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में एक साइड से पानी देके ये सारा पाइप में घूमता हुआ पानी टैंक तक आता है और टैंक में जो मोटर लगी रहती है उसके माध्यम से ये पानी वापस ऊपर वाले पाइप में आता है। मतलब एक तरह से ऐसा चैनल होता है जिसमें पानी का फ्लो किया जाता है। जैसा कि यहाँ से हमारे इस सेटअप में हम लोगों ने यहाँ से पानी इन किया है, सेकंड पाइप में यहाँ से पानी इन किया है, ये पानी घूमता हुआ नीचे टैंक तक चला जाता है और इन पौधों को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन और या जो भी चीज़ें होती है वो पानी के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, ये एनएफटी सिस्टम है। एनएफटी सिस्टम का ये फायदा होता है कि छोटे जो पौधे होते हैं जिनकी हाइट आधा फीट होती है, ज़्यादा ज़्यादा एक फीट होती है, वो हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं और नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है एनएफटी सिस्टम। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम और एनएफटी सिस्टम में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एनएफटी में क्या हो रहा था कि हम लोग पाइप में एक साइड छेद करते हैं और वो पानी घूमता हुआ इन पौधों की जड़ों को टच होता हुआ टैंक तक जाता है। ड्रिप सिस्टम में भी ऐसा ही है, पाइप का एक चैनल बनाना है पर पानी देने का सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाता है। हम लोग पानी देने के लिए एक ड्रिपर लगा देते हैं, हर नेटपोट को इंडिविजुअली पानी दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को पाइप का चैनल तो बनाना ही है, साथ में एक ड्रिप लाइन का भी चैनल बनाना पड़ता है जिसके माध्यम से पानी आता है और हर नेटपोट को पानी दिया जाता है। मतलब यहाँ पे पानी देने का यह सिस्टम रहता है कि इंडिविजुअली हर प्लांट को आपको पानी देना है। अब ये पानी यहाँ पे जैसे ये ड्रिप के माध्यम से पानी गिर रहा है तो ये सारा इस पाइप में आता है और पाइप में वापस ऐसा कनेक्शन दे रखा है जो इस पानी को ले जाता है टैंक तक। तो ये ड्रिप सिस्टम होता है। इस सिस्टम से भी हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा सकते हैं या अदर पौधे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये टपक टपक पानी गिरता है ना, तो ये नेचुरल ऑक्सीजन इसमें मेंटेन होती है। मतलब इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा अपन को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये है ड्रिप सिस्टम। दोस्तों, एनएफटी सिस्टम एवं ड्रिप सिस्टम के बाद हम लोगों ने हमारे फॉर्म पे टेबल टॉप स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन सिस्टम भी लगा रखा है। टेबल टॉप स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के अंदर हम लोगों ने लोहे के स्टैंड बना रखे हैं और इसमें ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट हम बढ़ा सकें। मतलब एक तरह से वर्टिकल फार्मिंग है ये। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने के लिए ग्रो बैग का उपयोग किया गया है। ग्रो बैग के अंदर वर्मी कोलाइट, परलाइट या कोकोपीट का एक रेशियो के माध्यम से इसमें भरा गया है और इसमें प्लांटेशन किया गया है। इन पौधों को पानी देने के लिए या न्यूट्रिशन देने के लिए हम लोगों ने इस
ग्रो बैग के अंदर एक ड्रिप लाइन डाल रखी है जिसके माध्यम से इसमें पानी आता है और ये पौधे ग्रो होते हैं। अब जैसा कि एनएफटी सिस्टम में आपने देखा था कि कंटिन्यू मोटर चालू रखना पड़ती है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू मोटर चालू नहीं रखते हैं। जब इन पौधों को न्यूट्रिशन और पानी की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग इसको ऑटोमेटिकली पानी और न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये भी एक तरीका है स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने का। और मतलब स्ट्रॉबेरी के अलावा इस सिस्टम पे हम लोग छोटे पौधे कोई से भी लगा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये इसमें फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गया, ये नबेला वेराइटी है। और देखो आप, अब जब इसमें फ्रूट आएंगे तब इसका एक और वीडियो हम बना के आपको अपडेट करेंगे। तो दोस्तों ये तीन तरह के सिस्टम है और तीनों की एक अपनी अपनी विशेषता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लगा के स्ट्रॉबेरी अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं।